हेलो जी, आई एम डॉक्टर लक्ष्मी. सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द मेन रीजंस फॉर लेट पीरियड्स. अगर आपके भी पीरियड्स लेट आ रहे हैं, जो आपकी रेगुलर टाइमिंग है उस टाइम से वो 10-10 दिन 15-15 दिन डिले हो रहे हैं, तो इसके क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं. सो नंबर फर्स्ट इज जस्ट डू अ प्रेगनेंसी टेस्ट. आपको एक UPT जरूर करना है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट. नंबर सेकेंड एंड मोस्ट कॉमन रीजन इज हार्मोनल इम्बैलेंस. अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी आपके पीरियड्स लेट आते हैं. नंबर सेकेंड इज अगर आपको सडन वेट गेन हो रहा है या सडन आपको वेट लॉस हो रहा है, इसकी वजह से भी पीरियड्स लेट आते हैं. नंबर थर्ड, अगर आपकी डाइट बहुत पुअर है, आप प्रॉपरली खाना नहीं ले पा रहे हैं, न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट अगर आप नहीं ले रहे हैं. नंबर फोर्थ, अगर आपको बहुत स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जो पीरियड्स हैं वो ठीक से नहीं आते हैं. एंड द लास्ट रीजन इज इनसफिशिएंट स्लीप. अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हैं, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी पीरियड्स लेट आते हैं. तो गो एंड कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दैट. और इसके लिए आप प्रॉपर अपने ब्लड टेस्ट कराइए, अपनी हार्मोनल प्रोफाइल कराइए, एंड आफ्टर दैट टेक द मेडिकेशन, ताकि आपके जो पीरियड्स हैं वो ठीक हो पाए. थैंक यू.